हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरेथ्रल कैरंकल के बारे में यूरेथ्रा के अंदर कैरंकल हो गया तो ये दो मार्क्स या पांच मार्क्स में पूछ सकते हैं कि क्या होता है यूरेथ्रा के अंदर हो रहा है ठीक है ना तो बिनाइन लीजन ऑफ यूरेथ्रा है इट इज कैरेक्टराइज बाय पेडंकलेटेड रेड लुकिंग मास प्रोट्रूडिंग आउट थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस से ना एक बाहर रेड लुकिंग मास देखने को मिलता है पेडंकलेटेड होता है इट इज प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस ठीक है इट इज बिनाइन लीजन ऑफ यूरेथ्रा पैथोजेनेसिस में ये किस किस में देखने को मिलता है यूरेथ्रंकल पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में ठीक है इंपॉर्टेंट पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में देखने को मिलता है इनफेक्टिव इन ओरिजिन सिंगल होता है एंड इट अराइज फ्राम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द दूरेथ्रा से अराइज होता है ठीक नेके डाइम ए स्मॉल रेड कलर का 0.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा मास देखने को मिलता है रेडिश लुकिंग मास विच इज प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटर्स किसमें कॉमन है पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स में है और इरेग्युलर पर वजाइनल ब्लीडिंग होती है यूरिनरी कंप्लेन्ट्स देखने को मिलते हैं ठीक है थी? डिस्पेर यूनिया देखने को मिलता है एंड टेंड अ ब्ली टू टच ठीक है डिफ्रेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है यूरेथ्रल मेलिग्नेंसी से करनी है और माइक्रोस्कोपी में वस्क्यूलराइज ग्रेनुलेशन टिश्यू कवर्ड बाई ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड स्क्रामोस एपीथीलम टाइप में uh, तीन टाइप है ग्रेनुलटस एंजियोमैटस पैपिलोमैटस ये तीन टाइप का हो सकता है ठीक है ट्रीट कैसे करोगे बायोप्सी कर दो एक्सीशनल बायोप्सी ठीक है तो क्लिनिकल फीचर में पोस्ट मिनोपोजल फीमेल यहाँ पे रेगुलर पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है यूरिनरी कंप्लेन देखो परवजाइनल ब्लीडिंग देखो मतलब पोस्ट पोस्टमिनोपोजर फीमेल के अंदर तो ये यूरेथ्रल कैरंकल भी हो सकता है बहुत चांसेस है ठीक यूरिनरी कंप्लेन होगा डिस्पेरूनिया होगा टेंडर ब्ली टू टच यूरेथ्रल मेलिग्नेसी से डिफ्रेंशिएट करना है डीडी माइक्रोस्कोपी में वस्क्यूलराइज ग्रेनुलेशन टिश्यू कवर्ड बाई ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड स्क्रामस एपीथिलियम टाइप ग्रेनुलटस एंजियोमैटस पैपिलोमैटस ये टाइप है